यस, नेक्स्ट हेडिंग इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? देखिए, मैग्नेट के चारों ओर, किसी भी मैग्नेट के चारों ओर के इस स्पेस को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक नील रख दें तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करे। तो जैसे कोई मैग्नेट अगर है, तो मैग्नेट के चारों ओर हर एक मैग्नेट, ये मैग्नेट का मैंने नॉर्थ पोल बना दिया, ये साउथ पोल बना दिया, तो मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वह नॉर्थ पोल से निकल कर के साउथ पोल में एंटर करती हैं और ये क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी? ये कंटिन्यूस क्लोज्ड कर्व होंगी जो नॉर्थ पोल से चलेंगी और साउथ पोल में एंटर करेंगी। इसके अलावा इसका कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं होता। ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइंस को मैंने दिखा दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज ए स्मूथ क्लोज्ड कर्व अराउंड ए मैग्नेट सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट खींच दें, टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ कर दूं, तो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये बताएगा कि मैग्नेटिक नीडल पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नेटिक नीडल किस डायरेक्शन में रुकेगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक लाइंस एक क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। इट इज़ ए क्लोज्ड कर्व originate from north pole and enter into a south pole। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। No two magnetic lines can ever intersect, each other at a point। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है कि इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट खींचेंगे तो वो मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन को बताएगा। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट विल रिप्रेजेंट द फोर्स, represent the direction of force acting on a magnetic needle। next point है, outside the magnet magnetic field की direction north to south होती है और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ये साउथ पोल मैंने दिखा दिया मैग्नेट का, ये नॉर्थ पोल है। आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम North to south, while inside a magnet, it is south to north, south से north की ओर होगी। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैग्नेटिक लाइन जितनी पास होंगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, यानी क्लोज़र
द मैग्नेटिक लाइन्स, क्लोजर द मैग्नेटिक लाइन्स, स्ट्रॉन्गर विद द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ को आप इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर लाइंस पास पास हैं इसका मतलब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये मैंने डायग्राम बनाया, ये मैग्नेटिक लाइंस मैंने बना दी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप कम है, यहाँ गैप ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। मैग्नेटिक फील्ड वर्ड मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बी लिख दिया है। एक चीज़ और, लेकिन अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल है, इक्वल डिस्टेंस पे है और पैरेलल है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। तो ये याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस। इक्वल डिस्टेंस पे आप पैरेलल लाइंस बना देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कर लेना है।